अरे तू इतना पढ़े लिखे है, काय दिन तेरे दिमाग की नस फट गई, फिर कैसे करेगा? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? घर तक छोड़िया ना उसे, मुझे लगे तुम दोनों के बीच में कंचा गोली पिलूच चल रही है। नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, पर एक बात है, ये कह रहे तू बहुत क्यूट और बहुत सीधा है। हाँ? बेटा मुझे लगे करवाना पड़ेगा तेरा बिया, ना तो तू भगा के ले जाएगा रिया। देख तू तो है घोचू महाराज, तू तो यासू कभी सीधी बात कर नहीं पाएगा, तेरा भाई करवा भाई करवा दे बात। देख तीन चीजों का ध्यान रखियो, पहली चीज जब तुझे बुलावे तो तू इस एकदम से कह दियो जो भी अमित ने कहा है वो बिल्कुल सच है। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी बात इसु कहियो तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर, तुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा। पक्का भाई, ये बोलूंगा भाई। तीसरी बात इसु बोलियो प्रॉमिस तू हमेशा खुश रहेगी। पक्का भाई, पक्का। ठीक है, अब मैं 10 सेकंड में गया, 2 मिनट में बात कर गया। और जी बोल अमित। रोहित जो अमित कह रहे हैं वो सच है? सच कह रहे हैं अमित, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। देख ले तेरे पे ट्रस्ट कर सकती हूँ ना मैं? तू कर सकती है मेरे पे ट्रस्ट? फिर शर्माया, फिर शर्माया। कल को मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, देख ले। मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ गलत नहीं होगा। 440 वोल्ट छोड़ने से दर लगे जा। और जी बोल अमित। यार देख तू सोचती होगी अमित में बहुत है खराबी, शकल से तो ये है यार अमित। वो तो है, तू जानती नहीं है अभी मैं खाते नहाते सोते हग लेटते सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में सोचता हूँ। यार तू लगता तो सही है पर मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अच्छा चल तू एक बात बता, तुझे पूरे कॉलेज में तुझे सबसे सीधा लड़का कौन लगता है जो सच्चा है सबसे ज्यादा? तेरा दोस्त रोहित लगता है। रोहित लगता है ना तू? अभी तू रोहित को बुला ले, यहीं पे बुला और मेरे सामने तू उससे पूछ ले। मैंने अपनी जितनी भी मन की फीलिंग्स है ना तेरे लिए सब बता रखी हैं उसको। सबसे पहली बात उससे तू पूछ कि जो अमित बोल रहा है वो सच है या झूठ है। दूसरी बात तू उससे पूछ कि जो अमित कह रहा है क्या मैं उस बात पर ट्रस्ट करूं या ना करूं। तीसरी चीज उससे पूछ कि कल को अमित मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगा, पक्का प्रॉमिस? और देख लियो वो क्या जवाब देता है।